दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पेटीएम बैंक एजेंट का पोर्टल मेरे पास है। बहुत सारे लोग इसे पेटीएम बीसी एजेंट पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, जिससे मैं केवाईसी करता हूं, लोगों का फास्टैग, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल जैसे अन्य सर्विस लोगों को प्रोवाइड करके एक अच्छी अर्निंग जनरेट करता हूँ। आप में से बहुत सारे रिटेलर भाई या बहुत सारे दोस्त जानना चाहते होंगे ये मैंने किस तरीके से हासिल किया है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, कहाँ पर विज़िट करना होता है केवाईसी एजेंट पॉइंट लेने के लिए। तो अगर आपके मन में भी इस तरीके के सवाल हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये केवाईसी एजेंट पॉइंट किस तरीके से लिया, आप किस तरीके से ले सकते हैं, आपको इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी 100 रुपये का कैशबैक कमाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप का लिंक मिलेगा जिसका नाम है ग्रो ऐप। जैसे ही इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपके अकाउंट में 100 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे और 24 घंटे के बाद आप उस बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें इनवाइट होना है, रेफर करने में भी आपको बहुत अच्छा कैशबैक दिया जा रहा है। आप एक इनवाइट अगर किसी फ्रेंड को करेंगे तो आपको भी 100 रुपये मिलेंगे और आपके फ्रेंड को भी 100 रुपये मिलेंगे जिसे आपने इनवाइट किया है। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ग्रो ऐप क्या है, इसकी केवाईसी कैसे करेंगे, इसका लिंक इस वक्त स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जाकर देख लीजिए। पेटीएम बीसी एजेंट बनने से पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर पेटीएम एजेंट करता क्या है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस फैसिलिटी के माध्यम से आप किसी कस्टमर की केवाईसी कर पाएंगे, साथ ही साथ उसका अकाउंट भी ओपन कर पाएंगे, फास्टैग, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, एपीएस जैसी सर्विस भी अपने कस्टमरों को प्रोवाइड करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि पेटीएम बीसी एजेंट पॉइंट किस तरीके से हासिल किया जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में पेटीएम का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है और अपना यूपीआई सेटअप वगैरह कर लेना है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद यहाँ पर पेटीएम के 3-डॉट लाइन कॉर्नर पे क्लिक करना है। नीचे की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो 24/7 हेल्प का एक ऑप्शन आपको दिखाया जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर नीचे की साइड में स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर पेटीएम केवाईसी एक ऑप्शन दिखाया जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाए जाएंगे, तो आपको यहाँ पर आई वॉन्ट टू स्टार्ट केवाईसी फैसिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको केवाईसी पॉइंट रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करते ही रिडायरेक्ट हो जाएंगे नए पेज की तरफ। तो यहाँ पर आपको अपनी सिंपली डिटेल डालनी है, आउटलेट में नो और यहाँ पर नीचे की यस के ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको अपने एफएससी यानी कॉरेस्पॉन्डेंट का नंबर लेना है, तो आप वापस पेटीएम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वापस आएंगे, उसके बाद बैक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे की साइड में स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट 24/7 हेल्प के ऑप्शन पर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर की साइड में दिखाया जा रहा है पेटीएम वॉलेट एंड पेमेंट बैंक का कस्टमर केयर का नंबर आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, तो आपको सिंपली इस नंबर पर कॉल करनी है। फिर आपको कस्टमर केयर से बात करनी है, बात करते हुए आपको कहना है कि मुझे पेटीएम बीसी एजेंट बनना है, बनने के लिए मुझे अपने एरिया के कॉरेस्पॉन्डेंट का नंबर चाहिए, यानी कि मुझे एफएससी का नंबर चाहिए मेरे एरिया का। तो वो आपसे आपका पिन कोड पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे, आपका एड्रेस पूछेंगे, लोकल एड्रेस जहाँ पे भी आप रहते हैं, उसके बाद आपको वहाँ का आपके एरिया का कॉरेस्पॉन्डेंट या एफएससी का नंबर आपको प्रोवाइड करा देंगे। जब वो नंबर आपको मिल जाए तो सिंपली आपको उस नंबर पे कॉल करनी है, कॉल उसी नंबर से करनी है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है। उसके बाद आप उसको उससे कहना है कि सर मैंने फॉर्म भरा है, मुझे केवाईसी बीसी एजेंट बनना है, आप प्लीज़ मुझे मिल जाइए, यानी कि आप मेरी शॉप पर विज़िट कर लीजिए। तो वो आपका एड्रेस पूछेंगे, एड्रेस पूछने के बाद आपकी शॉप पर विज़िट करेंगे, वो शॉप पर विज़िट करके ही आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि उन्हें मैपिंग करनी होती है। वो आप वहाँ पर विज़िट नहीं कर सकते, ना ही आपको कहीं पर जाना है, आपको सिर्फ़ अपनी शॉप पर ही उसे पेटीएम कॉरेस्पॉन्डेंट को बुलाना है, वहीं पर उसका आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपको फॉर्म वगैरह मिलेंगे, आपको कैनोपीज वगैरह मिलेगी और उसको पूरी तरीके से आपको वो समझाएगा कि किस तरीके से केवाईसी होगी, फास्टैग कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, आप कैश डिपॉजिट कैसे करेंगे, कैश विड्रॉल कैसे करेंगे, वो सारी प्रोसेस आपको बता के जाएगा। आप पॉइंट टू पॉइंट उनसे सीखिएगा, यही सही तरीका है एक आईडी लेने का और एक एफएससी बनने का। इसके अलावा जितने भी तरीके हैं वो फ्रॉड के हैं, यानी कि आप बिल्कुल भी किसी को भी कॉल मत कीजिएगा, यूट्यूब पर किसी का नाम वगैरह सर्च करके किसी को भी कॉल मत कीजिएगा, वो आपसे आपके पैसे ही लूटेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो अगर आपको आईडी चाहिए तो मैंने यूनिक तरीका आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको इसी से रिलेटेड और भी ऑफ़र या अन्य डिटेल पेटीएम बीसी एजेंट या एयरटेल पेमेंट बैंक बीसी एजेंट के रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा, मैं ऐसी डिटेल वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।